सुहागनों का त्योहार, घनघोर की बहार, कार्तिक नायरा का प्यार सदाबहार। स्टार्स के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक नायरा, कीर्ति नक्श और घर के सभी सदस्य धूमधाम से मना रहे हैं घनघोर का त्योहार। और देखिए कैसे नायरा और कीर्ति 16 श्रृंगार करके इस त्योहार पर झूम झूम कर नाच रही हैं, और इसमें उनका साथ दे रहे हैं उनके पति देव भी। नायरा तो बहुत खुश है अपने कार्तिक की जिंदगी में वापस आकर, लेकिन उनकी खुशियों को नजर लगाने आ गए हैं पुरु मामा, जो इस त्योहार के मौके पर कभी नायरा पर बुरी नजर डाल रहे हैं तो कभी उसे गंदे इरादों से छू रहे हैं। देखो इंसान को है ना हर एक चीज पर कंट्रोल नहीं होता। हाँ, जैसे कि मुझे मेरे हाथों पे कंट्रोल नहीं है, आंखों पे कंट्रोल नहीं है। अब मेरे जो अंदर से दिल की जो आवाज है वो आती है तो वो मैं कर जाता हूँ तो कर जाता। सुधर जाइए पुरु मामा, क्योंकि आपकी इस हरकत ने नायरा को सचेत कर दिया, और कहीं ना कहीं कार्तिक ने भी नायरा की इस हिचक को भांप लिया। और देखिए कैसे नायरा के पास पहुँच गए नच में उसका साथ देने। जी हाँ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस एक साथ चल रही हैं जहाँ नायरा को पुरु मामा के इंटेंशंस गलत लग रहे हैं, वहीं उसे सबके सबका जो कहना है पुरु मामा को लेके वो एकदम अलग है, तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि शायद मुझे ही हो सकता है कुछ, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। घर की सभी औरतें सुहागनों की तरह सज धज कर घाट पर आई हैं अपनी सुहाग की लंबी उम्र की पूजा करने। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सबको ये खबर मिली कि रमा दादी और विवान का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके साथ गायू की शादी होने वाली थी, और सबका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है क्योंकि इस हादसे में चली गई है विवान की जान। शादी हो जाए उसके बाद सबको बताना चाहते हैं वो लोग कि एक बार विवान और गायू की शादी हो जाए फिर सबको डिक्लेयर कर देंगे कि यस दे आर प्रेग्नेंट टुगेदर, पर उससे पहले ही काफी मिसफॉर्च्यून हो जाता है और देन वी आर हियर नाउ। भाई जैसे तैसे करके हिम्मत बांध कर कार्तिक नायरा पहुंच गए हैं गायू के कमरे में उसे इस हादसे की खबर देने, जो बहुत जल्द विवान के बच्चे की माँ बनने वाली है। अभी जाकर गायू को बताने आए, पूरा दिन हमने छुपाने की पूरी ट्राई की, शी इज क्राइंग अ लॉट, शी इज नॉट इन हर सेंसेस बाय नाउ। इस हादसे से सबसे ज्यादा दुखी है नायरा, क्योंकि वो अपनी बहन गायू की जिंदगी को उजड़ते हुए नहीं देख सकती, और इसीलिए अब उसने और कार्तिक ने फैसला किया है गायू की जिंदगी को फिर से बसाने का, जिसमें उनका साथ दिया है समर्थ ने, जो आ गए हैं गायू के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर। पुलिस सब कुछ ठीक हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए इस बीच में, मैंने तो अपनी तरफ से गायू को प्रपोज कर दिया है, अब लेट्स सी कि वो क्या बोलती है। यानी बहुत जल्द ये रिश्ता क्या कहलाता है में गायू और समर्थ का शुभ विवाह देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ नायरा पुरु मामा के अतीत और नापाक इरादों का भंडाफोड़ करेगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।